दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम सब देख रहे थे कि टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट बढ़ाने के लिए काफी हल्ला मचा हुआ था मीडिया में कि टैक्स ऑडिट की डेट बढ़नी चाहिए बढ़नी चाहिए। एंड देर हैव बीन रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम वेरियस प्रोफेशनल बॉडीज इवन के टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट बढ़ाई जाए। और फॉर्चुनेटली सर, 26 सितंबर को सीबीडीटी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, यानी भारत सरकार ने, रात को 10:15 पर टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट बढ़ा करके 30 सितंबर से 31 अक्टूबर करने की घोषणा करी। और सब्सिक्वेंटली 27 सितंबर को एक सीबीडीटी की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। सो फाइनली वी आर श्योर कि नाउ टैक्स ऑडिट डेट हैज बीन एक्सटेंडेड, विच ऑल्सो मीन्स के ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज ऑल्सो एक्सटेंडेड। परंतु यदि कोई हमारे दिमाग में इससे रिलेटेड इश्यूज हैं, पॉइंट्स हैं, तो उनको मैं यहाँ पर डिस्कशन के लिए आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो आई होप बाई वे ऑफ दिस वीडियो यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम द नोटिफिकेशन, कि ये जो नोटिफिकेशन आया है उसको क्या क्लैरिटी से मेरे को समझना है, ये बात मैं आपके सामने आज की वीडियो से रखने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बोला सर, मैं आपके सामने इस बात को बड़े क्लैरिटी से रख रहा हूं कि क्या देय तिथि टैक्स ऑडिट एवं आईटीआर दोनों के लिए बढ़ाई गई है। तो इसका आंसर सर मैं आपके सामने एक नोटिफिकेशन में जो पोर्शन है उसके थ्रू लेकर के आ रहा हूं, जिसमें सरकार ये कह रही है कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के एक्सप्लेनेशन 2 में जो असेसीज मेंशन है सर, उन सब के लिए जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर 2019 से बढ़ा करके और 31 अक्टूबर 2019 कर दी गई है। साथ साथ सर, हमें यह ध्यान रखना है कि जो ड्यू डेट है सर, वो ड्यू डेट इनकम टैक्स रिटर्न के लिए भी बढ़ाई गई है और रिपोर्ट ऑफ ऑडिट यानी टैक्स ऑडिट के लिए भी बढ़ाई गई है। यानी इसमें कोई संशय नहीं है सर कि टैक्स ऑडिट की डेट बड़ी हो तो आईटीआर की नहीं बढ़ी हो, और आईटीआर की बड़ी हो तो टैक्स ऑडिट की नहीं बढ़ी हो। दोनों ही ड्यू डेट सर यहां पर बड़े क्लियरली बढ़ा दी गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न सर, किन करदाताओं के लिए देय तिथि यानी ड्यू डेट बढ़ाई गई है? तो सर, जो ड्यू डेट बढ़ाई गई है उसके लिए मैंने पहले आपसे चर्चा करी सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के एक्सप्लेनेशन 2 में जो असेसी सब क्लॉज ए में मेंशन है सर, उनके लिए ड्यू डेट बढ़ाई गई है। वो कौन कौन है सर? अ कंपनी और अ पर्सन अदर देन अ कंपनी हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, और अ वर्किंग पार्टनर ऑफ अ फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। तो मैं सर इसे सरल रूप में रखता हूं, यदि आप कंपनी हैं सर, तो आपकी ड्यू डेट अब तक जो 30 सितंबर थी वो बढ़ा करके 31 अक्टूबर कर दी असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं सर जिसकी किसी और पर्टिकुलर लॉ में ऑडिट होती है, से फॉर एग्जांपल अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसके लिए भी सर ड्यू डेट बढ़ा करके, मैं सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए नहीं कह सकता, परंतु मैं ये कह सकता हूं ऐसे अन्य समस्त करदाता सर जिनके ऊपर किसी अन्य लॉ की वजह से ऑडिट एप्लीकेबल होती है, उनकी भी सर ड्यू डेट बढ़ा करके असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए सरकार ने 30 सितंबर से 31 अक्टूबर कर दी है। और ये तीसरी कैटेगरी सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो वर्किंग पार्टनर्स ऑफ अ फर्म के ऊपर लागू होती है। यदि आप किसी ऐसी फर्म के वर्किंग पार्टनर हैं सर जिसके ऊपर टैक्स ऑडिट लागू होती है, तो आपकी भी ड्यू डेट जो पहले 30 सितंबर थी सर, वो बढ़ा करके 31 अक्टूबर कर दी गई है। तो सर ये तीन कैटेगरीज हैं जो मैंने आपके सामने यहां पर डील करी। इन व्यक्तियों के लिए सर ड्यू डेट बढ़ा करके सरकार ने 30 सितंबर से 31 अक्टूबर कर दिए। तो ये जो लास्ट में सर मैंने 30 सितंबर लिखा है, आप इसे कृपया 30 अक्टूबर पढ़ें कि 30 अक्टूबर की ड्यू डेट इन पर्टिकुलर असेसीज के लिए 30 सितंबर से बढ़ा करके 31 अक्टूबर कर दी गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, देय तिथि बढ़ाने का फायदा क्या होगा? आप सब क्लियर हैं सर इस विषय में कि 1 महीने की ड्यू डेट बढ़ने से हम सबको अपनी रिटर्न से रिलेटेड जो भी मटेरियल कलेक्ट करने में, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, रिटर्न को बनाने में एक एक्स्ट्रा 1 महीने का समय मिला है, जो एक साई ऑफ रिलीफ है। हमें यह ध्यान रखना है सर क्योंकि अगला महीना त्योहारी सीजन का है, तो निश्चित रूप से टू द एक्सटेंट पॉसिबल आप जितनी जल्दी हो सके अपनी रिटर्न बनाने का, फाइनल करने का कोशिश करें। हाँ, मैं यहां पर यह बात स्पष्ट किए देता हूं सर, इफ दिस पर्टिकुलर एक्सटेंशन हैज टेकन प्लेस, तो आपको सेक्शन 234F में जो फीस लगती है 1,000, 5,000, 10,000, वो इस पर्टिकुलर महीने के लिए भी अगर आप रिटर्न भर देते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आपकी ड्यू डेट 30 सितंबर थी जो बढ़ करके 31 अक्टूबर हो गई, तो आपको ये पर्टिकुलर फीस अब पे
पेएबल नहीं होगी यदि आप 31 अक्टूबर तक रिटर्न भर देते हैं तो। दूसरा, व्यापार अथवा पेशे से आए या कैपिटल गेन हेड में हुए लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, क्योंकि सर ड्यू डेट ही बढ़ा करके आईटीआर की 30 सितंबर से 31 अक्टूबर कर दी है, तो मैं मान लूं कि किसी पर्टिकुलर करदाता के पास बिजनेस प्रोफेशन हेड में या कैपिटल गेन हेड में लॉस है, तो सर वो असेसी ऐसे पर्टिकुलर लॉस को यदि 31 अक्टूबर तक भी रिटर्न भर देता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करने का बेनिफिट निश्चित रूप से इस रिटर्न भरने के टाइम लिमिट से मिलेगा। अब एक अंतिम बात सर जो बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखनी है, यहां पर सरकार ने थोड़ा सा खेल खेल लिया लोगों के साथ में कि गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन में एक बात लिखी सर, और मैं उसे पहले प्रश्न के रूप में रखता हूं, क्या धारा 234 ए में लगने वाले ब्याज का भी फायदा होगा, क्योंकि सर आपकी ड्यू डेट 30 सितंबर थी, अब बढ़कर के वो 31 अक्टूबर हो गई, तो नेचुरली 234 ए में इंटरेस्ट क्या लगता है आप जरा समझिएगा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी रिटर्न बिलेटेड करता है तो उसको जितने महीने वो लेट रिटर्न भरता है उसके सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अमाउंट के ऊपर 1% का ब्याज देना पड़ता है। तो देखिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में क्या बोला है, However, there shall be no extension of due date for the purpose of explanation 1 to section 234A of the Act and the assessee shall remain liable for payment of interest as per the provisions of section 234A of the Act. तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि सरकार ने चाहे ड्यू डेट बढ़ा दी ITR फाइल करने की, टैक्स ऑडिट फाइल करने की, परंतु आप यदि अक्टूबर में रिटर्न फाइल करेंगे, से फॉर एग्जाम्पल आपको 5 लाख रुपए का सेल्फ असेसमेंट टैक्स देना है एज अ कंपनी, तो वो 5 लाख रुपए के सेल्फ असेसमेंट टैक्स पर आपको 1 महीने का ब्याज एट द रेट 1% यानी 5,000 रुपए देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने सर ड्यू डेट बढ़ाई आईटीआर फाइलिंग की, गवर्नमेंट ने सर टैक्स ऑडिट की डेट बढ़ाई, परंतु गवर्नमेंट ने 234 ए में रिलैक्सेशन नहीं दिया। तो यहां सरकार ने थोड़ी सी कंजूसी करी है जो मैंने आपके सामने इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू रखा। तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, जो व्यक्ति अक्टूबर में रिटर्न भरेंगे उनको 234 ए का इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं मुझे सुनने के लिए। मुझे लगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक पर, पर्टिकुलरली 234 ए से रिलेटेड विषय पर कुछ क्लैरिटी मुझे देनी चाहिए। सो थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो आई हैव ट्राई टू ब्रिंग आउट दैट पॉइंट बिफोर यू। एंड यदि आपकी और कोई क्वेरी हो आप मुझे लिख सकते हैं सर, और मुझे इसी प्रकार से सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं।